वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आप सभी के मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट का शूट कर रहे हैं, और जैसे कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैंने स्टार्टिंग सोचा था कि मैं घर से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट इतना फॉग था कि टाइम ही नहीं मिल पाया और फॉग के कारण मैंने अच्छे से शूट नहीं कर पाई। तो इसी कारण मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, जैसे कि देख रही है मेरे हस्बैंड है, तो ये बोल रहे थे कि साथ में बनाएंगे ब्लॉग, और मतलब इनको शूट करने में थोड़ी दिक्कत नहीं आ रही थी, ये करना चाहते थे बट ये एक्चुअली में स्पाइसजेट में ही जॉब करते हैं तो यहाँ पे इनको अलाउमेंस नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया क्योंकि जानते ही आप कोई दिक्कत नहीं होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैबिन क्रू भी दिख रही होगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंडिगो का चेक इन एरिया, फिर स्पाइसजेट का, फिर गो एयर का, एयर एशिया का, सारे का यहाँ पे चेक इन एरिया है। और यहीं से चेक इन काउंटर है जो कि चेक इन होता है। हम लोग चेक इन करवाने गए थे बट हमें बोला गया कि आप एक घंटे के बाद आए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे यहाँ पे एयरपोर्ट। हमारा था फ्लाइट 7:20 में और हम आ गए थे 5:30 बजे तक हम आ गए थे, इसलिए हमें जल्दी बोला गया। क्योंकि क्या होता है ना कि जो स्पाइसजेट में जॉब करता है उनका लास्ट में सबसे ज़्यादा सबसे पहले नहीं होता है चेक इन, लास्ट में होता है। उसके बाद हमें भूख लग गई थी तो हम लोग खाना खाने आए, और ये आप समोसा देख रहे होंगे नॉर्मल शॉप में ही हमें 45 या 30 का अराउंड मिलता है, बट एयरपोर्ट पे आप अगर यही लीजिएगा तो आपको 121 का पड़ेगा। जैसे कि हम लोग 2 समोसे लेते हैं 121 का, और मेरे को उतना टेस्टी भी नहीं लगा। उसके बाद फिर हम लोग सारा चेकिंग करके हम लोग गेट नंबर 1 में चेकिंग करने जाने लगे। तो पहले ना मैंने इनको देखा, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो एक स्टैचू है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे ना मैं तो कुछ वीडियो बना लूँगी। मेरा हस्बैंड बोल रहा कि लेट हो जाएगा, इसके कारण फिर मैं इतने अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई। ये मेरे हस्बैंड है जिनका ये यूट्यूब चैनल है, और ये दिल्ली का जो है ना टर्मिनल बहुत ही बड़ा है, आपको पूरा वीडियो तो शूट नहीं कर पाई, जितना शूट कर पाई मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख रही है इस टाइम ही था शायद ये हमारा सिक्योरिटी चेकिंग आउट होने के बाद हम लोग फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं। तो ये एरिया हमारा जो भी है इधर से होता है, और हमारा है कितना पे 56 पे था आई थिंक, तो हम लोग को जाना पड़ रहा है और इतनी ज़्यादा। और यहाँ से बोर्डिंग होता है, जो भी यहाँ से प्रोसेस होता है, अगर कोई जल्दी आया था ना, मान लीजिए मैं भी जल्दी चली गई थी तो इसके कारण हमें भी वेट करना पड़ा, ज़्यादा देर नहीं, बस 15 मिनट वेट करना पड़ा था। यहाँ पर भी वही है, अगर आप जल्दी आ जाते तो वोटिंग के लिए बैठ सकते आराम से, और जब आपको बुलाया जाएगा तो आप जा सकेंगे। तो यहाँ से देख रहे होंगे आप, फर्स्ट आप देख रहे होंगे इधर साइड में भी लगा हुआ है सारे चेयर, और साइड में इधर रहता है बोर्डिंग होता है जो, और उधर भी एक्सलेटर है, आप एक्सलेटर से भी चल सकते हैं। मैं चलते चलते थक गई थी लास्ट में, मेरे को ना इतने ज़्यादा थक गई थी, मैं बोलने लगी ना मेरे को एक्सलेटर पर ही जाना है, इनको तो पैदल जाना था, तो फिर मैं एक्सलेटर पे, मैंने बोला एक्सलेटर पे ही चलो, तब मेरे को कुछ देर रिलैक्स हुआ। अब मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो ना ये अभी टर्मिनल 3 पे है, ये टर्मिनल 3 इतना ज़्यादा ही बड़ा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा है। टर्मिनल 2 तो छोटा है बट टर्मिनल 3 बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। आप चलते रह जाओगे, बहुत थक जाओगे, बट आप पूरा घूम ही नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा ही बड़ा है। सारे ये वेटिंग एरिया टोटल आपको जो दिख रहा है एयरपोर्ट का, टर्मिनल 3 का ये है, और हमारे घर से सामने ही पड़ता है। फिर भी कितना ज़्यादा क्या होता है ना कि आप अगर फ्लाइट में जाते हो तो 2 घंटे पहले आपको निकलना ज़्यादा सफिश होता है। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, देख रहे थे सारा वेटिंग एरिया हमारा जो भी एरिया है, ये एयरपोर्ट का पूरा फ्लाइट में एंट्री हमारा हो रहा है, जो कि हम एंट्री करते करते, और वो भी मैं रूट रेगुलेशन सारा तोड़ दी थी, मेरे को पीछे नहीं बोला था, पर भी मैं पीछे मुझे मैं वीडियो बनाई थी, मैंने मेरे हस्बैंड ने डांटा था कि ये रूल के खिलाफ है, फिर भी मैंने ये किया था, और मेरे को वीडियो बनानी थी वो भी आप लोगों के लिए, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा एरिया है जो कि हमें एंट्री का होता है, इतना प्रोसीजर के बाद हम जाके फ्लाइट में चढ़ते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग, उसके बाद फिर बहुत सारे चेकिंग होते हैं, उसके बाद ही हम फ्लाइट पर एंट्री कर पाते हैं। अभी देखिए अभी कितने आगे चलेंगे हम लोग, जैसे कि देख रहे हैं ये टोटली है ना एंट्री करने का प्रोसेस, इतना ज़्यादा अभी इधर से है, ये आप देख रहे होंगे साइड साइड में टोटली है ना, ये एक टाइप का एयरपोर्ट पे नहीं है, एक टाइप का ये क्या बोला जाता है मैं बोल दूँ,
ये टोटल रैंप है दिल्ली एयरपोर्ट का, और दिल्ली एयरपोर्ट में इतना आपको ज़्यादा चलना पता है टर्मिनल थ्री में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। टर्मिनल वन का तो मैं मतलब मेरे को पता नहीं है ज़्यादा, मतलब टर्मिनल थ्री का बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। आप देख रहे हो कितना देर से ही है, बहुत ज़्यादा मैं कुछ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं था, और जितना था मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ही, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि मैं थक गई थी बहुत ही ज़्यादा, फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया जितना मेरे से हो पाया। और अब हमारा एंट्री होने वाला है, तो थोड़ी देर में अब हम, और जैसे कि मैं भी, और मैं अब फ्लाइट में पहुंच गई हूँ, तो उसके बाद थोड़ा धुंधला ही था क्योंकि हम लोग 5 से 6 बजे तक फ्लाइट था, 5 बजे हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट, और फिर 6 बजे हमारा चेक इन था, 7:30 बजे तक 7:20 में ये फ़्लाइट डिपार्ट करने वाली थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं फ्लाइट में हम लोग हैं, और मैं तभी भी मास्क लगाई हुई थी, और मेरे हस्बैंड मेरे को बोल रहे हैं निकालो मास्क, अभी मैं निकाल ही नहीं रही थी तब से, और तभी मेरे को गुस्सा आ गया थोड़ी देर के लिए, अभी मैं बोल रही थी इनको कुछ तभी मेरे को थोड़ी देर पहले गुस्सा आ जाएगा। और मैं फिर सो गई थी, फिर मैंने सो के जागी तो देखा कि मतलब सनलाइट हमारे फेस पे आ रहा था, जब ऊपर ही मैं हम लोग डिपार्ट कर गए थे, तो उसके बाद में कुछ टाइम में भूख लग गया तो हम लोगों ने सैंडविच ऑर्डर किया, तो वो सैंडविच अब देख रहे हो वो 400 का है एक, और हम लोगों ने दो ऑर्डर किया था, ये 400 का वन है और 2 पे 800 का लगा है, जो कि मैं इसका टेस्ट तो मैं इसको कितना रेटिंग 3 रेटिंग दूंगी, क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और हमारा फिर उसके बाद फ्लाइट लेट हो गया था, लेट हो जाने के कारण हमें पटना देर से पहुँचे, क्योंकि ये फ़्लाइट ना हमें पहले कोलकाता ले गई, उसके बाद कोलकाता से हमें पटना कितने टाइम में, पटना 12 बजे तक। हम लोग सोच रहे थे शायद हम लोग को दूसरा फ्लाइट लेके जाना पड़ सकता है, बट आई होप हो गया था, हम लोग फिर से फ्लाइट से चले गए थे पटना, क्योंकि पटना का फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ही कम था, यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा था कोलकाता में, क्योंकि गर्मी पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा फ्लाइट डिपार्ट कर गया है, उसके बाद ऐसा व्यूज था ना बहुत ही ज़्यादा था, फर्स्ट टाइम तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा वोमिट आ रही थी और सर घूम रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था मेरा ना, तो मेरे सर बहुत ज़्यादा घूम रहा था, मेरे हस्बैंड का तो सर नहीं घूम रहा था क्योंकि वो 2-3 बार आ चुके हैं तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड पर रूम पर पहुँच गए अपने घर पर उनके, फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दी, वो आटा गूंथ रहे थे, और मैं वीडियो में एंड करना स्टार्ट कर दी, तो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।